आज हम पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। हम डेसिमल नंबर्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमें सारे डेसिमल्स, जितने भी हमारे पास डेसिमल्स होते हैं, उनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना होता है। लाइक डेसिमल्स का मतलब होता है पॉइंट्स के, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, जितनी भी हमारी हाईएस्ट डिजिट होती हैं, हमें सभी को उतने में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। फिर हम एडिशन करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट अगर एक डिजिट में इस तरीके से 1.25 है आपके पास और एक डेसिमल नंबर आपके पास 1.5 है, तो यहाँ देखो टू डिजिट हैं तो हमें इसमें ज़ीरो लगा के इसको लाइक करना पड़ेगा। फिर अगर हमें इनको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, डेसिमल से पहले वाले डिजिट डेसिमल को डेसिमल के नीचे लगाएंगे और डेसिमल से पहले वाले डिजिट को हम इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं और फिर डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को इधर से अब इनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से सेम इस तरीके से ये हमारा सब्ट्रैक्शन में होता है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। देखो यहाँ है ऐड 2.34, 203.4, 11.564। यहाँ देखो डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट इसमें है, थ्री डिजिट, तो हम इसको और इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ टू डिजिट हैं तो एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा, एक ज़ीरो लगेगा इसमें, और यहाँ एक डिजिट है तो यहाँ दो ज़ीरो लगेंगे। तो देखो यहाँ इन्होंने कन्वर्ट कर लिया उसको लाइक फ्रैक्शन में। फिर क्या किया इन्होंने, जैसे 2.340 लिखा, फिर नेक्स्ट है आपका 203.400, तो हमने पॉइंट यहाँ लगाया, डेसिमल के बाद के डिजिट इस तरीके से लिखी और डेसिमल से पहले के डिजिट हम इधर से लिखना शुरू करते हैं इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा 302। ओके, एक सेकेंड। फिर नेक्स्ट हम इसको लिखेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5, 6, 4 और 1, 1। ओके, इस तरीके से फिर इसको हम सम कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एग्जांपल 17 में, एग्जांपल 18 भी एडिशन का है। ओके, अब आपका सब्ट्रैक्शन का आया। सब्ट्रैक्शन में हम सेम करते हैं, पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं बड़े नंबर को, बड़े डेसिमल को ऊपर रखते हैं, छोटे डेसिमल को नीचे रखते हैं और हमारा आंसर आ जाता है 20th। एग्जांपल भी सेम इसी तरीके का है, इसमें हम बोरो कर लेते हैं, जैसे यहाँ ज़ीरो था, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना था तो इधर से बोरो किया, 10 हो गया, ये सॉरी यहाँ से 7 से बोरो किया हमने, ये 10 बन जाएगा, फिर यहाँ 6 बन जाएगा, फिर यहाँ 10 ज़ीरो है तो इधर से बोरो कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप कर लोगे। अगर इसमें देखो यहाँ डेसिमल नहीं है तो क्या करेंगे हम, 1000 लिखा उसके बाद पॉइंट लगाए और कितने डेसिमल है यहाँ, 3, तो 3 0, ठीक है। अब आपकी वर्ड्स प्रॉब्लम आती हैं, राजीव सेव दिस इन जनवरी, उसने इतनी अमाउंट जनवरी में सेव करी, इतनी फरवरी में, इतनी मार्च में, हाउ मच डिड ही सेव ड्यूरिंग 3 मंथ्स, तीनों मंथ्स में कितनी सेव करी, तो मतलब तीनों मंथ्स टोटल सेविंग्स तो हम तीनों को ऐड कर देंगे। ऐसे ही अ मिल्कमैन हैड दिस लीटर ऑफ मिल्क इन ड्रम्स, ही सोल्ड दिस लीटर इन वन कॉलोनी एंड दिस लीटर इन अनदर कॉलोनी, हाउ मच मिल्क इज़ लेफ्ट अनसोल्ड, तो उसने पूछा कि कितना मिल्क अनसोल्ड बचा। तो आपके पास मान लो 10 रुपीज़ है, आपने 2 रुपीज़ एक शॉप पे खर्च किए, 3 रुपीज़ एक शॉप पर खर्च किए, तो आप क्या करोगे, मैं आपसे पूछूँ आपके पास कितने रुपीज़ बचे हैं, आप दोनों को सम करोगे और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे 10 में से। तो इसी तरीके से करना है, पहले जो कॉलोनीज वाले हैं दोनों को ऐड करेंगे हम, ठीक है, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, इस फ्रैक्शन को पहले डेसिमल में चेंज कर लिया, फिर बाकी भी चेंज कर लिया हमने, इसको भी चेंज कर लिया हमने, इसको भी चेंज कर लिया, फिर दोनों को एडिशन किया और टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके, यहाँ कुछ आपको दे रखा है कि 1.2 को 0.5 लिखते हैं, 1.4 को 0.25 लिखते हैं, कुछ फ्रैक्शंस के चेंज दे रखे हैं, ये आपकी एक्सरसाइज 8.4, इसमें ऐड करना है। तो पहले आप लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फिर सबको डेसिमल के नीचे डेसिमल रख के और डेसिमल के बाद के डिजिट्स को आप इधर से लिखेंगे और डेसिमल से पहले के डिजिट को आप इस डायरेक्शन में लिखेंगे और ऐड कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ देखो इसमें आप ज़ीरो लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। थर्ड में भी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 1000 आप इजीली कर देंगे, फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू दिस बिकम्स 1000। तो आप इनसे, इन्होंने पूछा है कि इसमें क्या नंबर ऐड किया जाए कि 1000 मिल जाए, तो x प्लस दिस गिव्स 1000,
तो आप 1000 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको. इसी तरीके से द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, वन नंबर इज दिस, फाइंड द अदर. तो जब सम दे रखा है आपको दो नंबर्स का, तो इस सम में से आप इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे, आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा. इन क्वेश्चंस में देखो, सिंपलीफाई में इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले एडिशन एडिशन वाले एक साथ ऐड कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट बाद में करते हैं. जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ दो डिजिट तो हैं आपकी एडिशन की, तो आप पहले इन दोनों को ऐड कर लोगे, दो आपकी सब्ट्रैक्शन के, इन दोनों को भी ऐड कर लोगे, देन इनके सम में से इसके सम को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ठीक है, यहाँ सारे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम था. राधिका सिक्योर 13.5 मार्क्स मोर देन मीना, यानी कि अगर मीना के मार्क्स, इफ़ मीनाज मार्क्स वर 52, मीना के मार्क्स 52 हैं, तो राधिका के उससे 13.5 ज़्यादा हैं, तो कितने मार्क्स हैं, तो दोनों का सम करेंगे, राधिका के मार्क्स मिल जाएंगे आपको. ठीक है, अ कंटेनर हैज़ दिस लीटर ऑफ ऑयल, द ड्रम्स ऑफ कैपेसिटी दिस एंड दिस आर फिल्ड फ्रॉम द कंटेनर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल लेफ्ट इन द कंटेनर. तो इन दोनों का सम करेंगे आप और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ये आपके सॉल्यूशंस हैं एक्सरसाइज 8.4 के, ये आप करके देखेंगे. ठीक है, सारे जो डाउट होंगे हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे. यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हुए हैं, 9th है, 12th है. ठीक है, ओके, बाकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.